University, a place of learning where culture and heritage coexist with innovation and a dream for the future. Here we celebrate the power of curiosity and create the next generation of leaders by offering a variety of different programs. Examination section facilitates the following things to you for the students. First, examination form. Examination forms are to be submitted by all of you at the start of the semester, in which all of you have select the subjects and submit the examination form to your concerned deans, and they will forward it to me. So it is very important to all the students. Next. It is the conduct of examinations. Examination is conducted by the examination branch. Examination branch supervises all the conduct of examination. After that, examination branch issue admit cards to you by which you appear in the examination. So it is very important for you. Next, after clearing your semester examination, the examination branch, we will issue you detailed marks cards, and next we issue final degree after completion of your program, and next we issue the transcripts also, and all the documents which we have issued to you are verified by the examination branch. So this is the examination calendar. I would like to speak in Hindi also, because there are some students who would like to hear in Hindi. Examination calendar. This is the examination. ये examination calendar है old semester के लिए, जो कि हम इस बार
2022 में अगस्त 22 में इसको स्टार्ट करेंगे। यह एग्जामिनेशन कैलेंडर ऑलरेडी वेबसाइट पे आप लोगों के लिए पब्लिश हो चुका है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन कैलेंडर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनेशन कैलेंडर और एक एकेडमिक्स कैलेंडर जो आप लोगों के लिए आप लोग वेबसाइट से देख ही सकते हैं, दोनों कैलेंडर आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको क्योंकि जो टाइमलाइंस हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन की वो सारी इसके अंदर मेंशन है। आपका सेमेस्टर किस दिन शुरू हुआ, आपने किस दिन एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, आपका मंथली आपने सेशनल टेस्ट कब होगा, आपके कंप्यूटर असेसमेंट वगैरह कब होगी, तो ये सारा जो डिटेल है वो सारा आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर में मिलेगा। और एकेडमिक्स कैलेंडर जो होगा वो आपको सारे आपकी स्टडी आपकी टीचिंग कब होगी वो सारी डिटेल आपको बताएगा। और सेमेस्टर मैंने इसलिए लिखा है इसको क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर सेवन्थ सेमेस्टर ये सब पे और सेमेस्टर जो कि अगस्त से स्टार्ट हुआ, अगस्त 2022 से स्टार्ट हुआ, दिसंबर 2022 तक चलेगा, इसलिए मैंने इसको और सेमेस्टर लिखा। सिमिलरली भी है एग्जामिनेशन कैलेंडर फॉर द इवन सेमेस्टर जो कि जनवरी 2022 में स्टार्ट होगा और वो जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा और मई 2023 तक चलेगा। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसमें सारी डिटेल दी गई है कि आप लोगों ने एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरने हैं, आप लोगों के जो टेस्ट होंगे वो कब होंगे और आप लोगों का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, आपको मार्कशीट्स कब मिलेंगी, ये सारी डिटेल इस कैलेंडर में दी हुई है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये जो एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है एक बार वेबसाइट से जरूर देखें, नहीं तो आप लोगों के डीन्स के ऑफिस में भी अवेलेबल रहेगा। आप लोग जब एक पर्टिकुलर टाइम आपको मिलेगा भी इस टाइम में आप लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करना है, इस ड्यूरेशन में आप लोगों को एग्जामिनेशन आप लोगों के कंडक्ट किए जाएंगे, इस टाइम को आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे, ये सारी डिटेल इसमें मिलेगी। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, ये एक नया पार्ट है जो आप लोगों पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज क्योंकि इसमें टोटल क्राइटेरिया बताया गया है कि आप लोगों के जो 100 मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट के वो कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स बैठे हैं, सभी कोर्सेज के सभी प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो उस वजह से यहाँ पे किसी सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा गया। आप लोगों का जो फर्स्ट सेमेस्टर है या थर्ड सेमेस्टर है आप लोगों की जो सिलेबस हैं वो वेबसाइट पे भी अपलोडेड है, आप लोग अपने इंचार्ज से भी पूछ सकते हैं। उसमें आपको डिटेल मिलेगा कि आप लोगों को एक वीक में आप लोगों के कितने आवर्स लगा करेंगे, कितने लेक्चर्स लगेंगे, वो सारी डिटेलिंग उसमें लिखी होगी। आपका सब्जेक्ट कंटेंट कहाँ, सब्जेक्ट कंटेंट क्या होगा, वो सारा कुछ आपको उस सिलेबस में मिलेगा। तो आप लोग अब क्लासेस लगाना शुरू कर चुके हैं, हर सब्जेक्ट स्कीम जो है आप लोग पहले अच्छे से देख लें, सिलेबस देख लें कि आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा और उसकी इवैल्यूएशन किस तरह से होगी। इवैल्यूएशन पार्ट जो है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसमें फर्स्ट पार्ट है कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन इस असेसमेंट के दौरान जो भी होगा, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट के दौरान आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप लोग अपनी क्लासेस में रेगुलर रहेंगे। अगर आप रेगुलर रहेंगे तो ही आप लोग अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अगर इसमें से एक भी चीज आप मिस करते हैं तो आपका टारगेट आप अचीव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसमें से एक भी टेस्ट मिस हुआ, एक भी चीज मिस हुई, तो वो आपके टोटल मार्क्स को कम कर देगी और उसको रिपीट करने का चांस आप लोगों को नहीं मिलेगा, इस कमेरिजन में नहीं मिलेगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग कोई भी टेस्ट इसमें मिस ना करें, कोई भी टेस्ट या कोई भी कॉन्टिन्यूस असेसमेंट का पार्ट मिस ना करें। अगर आप लोगों ने एक भी मिस किया तो आपके टोटल मार्क्स कम कर देगा, पर आपके पासिंग मार्क्स जो है वो सेम रहेंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट सीई वन जो मैंने लिखा हुआ है, इसलिए आप लोगों के पहले मंथ में आप लोगों का जो सब्जेक्ट टीचर है वो डिफरेंट फॉर्म में कंडक्ट करेंगे, चाहे आपसे क्विज कॉम्पिटिशन हो सकता है, कोई सेमिनार हो सकता है, या किसी भी तरह का जो आपका एग्जामिनेशन पार्ट होगा वो हो सकता है।
उसमें क्या होगा कि 10 मार्क्स में से आप लोगों को आपका जो क्लास टीचर है वो आप लोगों को मार्क्स देगा और हमारे पास भेजेगा, हमारे पास सबमिट होंगे। फिर इसके तुरंत बाद आपके पास आए चौथे सेमेस्टर का चौथे पॉइंट पे जो मैंने लिखा हुआ है नेक्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन MSc 1। ये आप लोगों का पहला रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, प्रॉपर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, वो सारा पैटर्न आपको आपके डीन या आपके क्लास टीचर बनाएंगे। MSc 1 होगा, MSc 1 जो कि 30 मार्क्स का है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आता है CE 2 कॉन्टिन्यूस असेसमेंट कॉन्टिन्यूस इवेल्यूएशन, जिसका नाम ये होगा कॉन्टिन्यूस इवेल्यूएशन 2। ये फिर उसी फॉर्म में होगा, असाइनमेंट क्विज या सेमिनार फॉर्म में, वो आपके टीचर्स आप लोगों के लिए कंडक्ट करेंगे और आपको इवेल्युएट करेंगे। CE 2 के बाद MSc 2 रहेगा। MSc 2 इन एक्टिविटीज के बीच में 15-20 दिन का गैप रहेगा आप लोगों के पास, आप लोग इजीली जो आप लोगों ने अपना सिलेबस किया होगा वो इजीली कर पाएंगे। फिर MSc 2 के बाद कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन रहेगा CE 3 एंड लास्ट जो रहेगा हमारे पास एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, वो 20 मार्क्स का रहेगा। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जो आप लोगों को बड़े ध्यान से मतलब जो तीनों चारों मार्क्स का एग्जामिनेशन है रिटर्न, वो भी बड़े सीरियसली आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। एक ये जो लिखा गया है अटेंडेंस 5 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये एक किस्म से कह सकते हैं कि हम लोग आप लोगों के फ्री के मार्क्स हैं। फ्री के मार्क्स किसके हैं, जो 100% अटेंडेंस रहेगी आपकी जिस सब्जेक्ट में आपको 5 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे, अगर 75 रहेगी तो आप लोगों को 1 मार्क अवॉर्ड किया जाएगा, 1 मार्क दिया जाएगा। तो इसलिए जो मैंने इस स्लाइड के स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अपनी क्लासेस में रेगुलर रहेंगे, एक भी एक्टिविटी मिस नहीं करेंगे, तभी आप लोग अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ये जो मैंने आप लोगों को पैटर्न बताया है ये सारा थ्योरी सब्जेक्ट का है, जो आप लोगों के पेपर होंगे थ्योरी सब्जेक्ट होंगे उनका होगा। नेक्स्ट जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो आप लोगों के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। हम लोगों ने परफॉर्मेंस ऑफ ईच प्रैक्टिकल यानी आप लोगों के सपोज कीजिए 5 प्रैक्टिकल है आप लोगों के, तो परफॉर्मेंस ऑफ ईच प्रैक्टिकल आप लोगों का 10 मार्क्स के अवॉर्ड किए जाएंगे। उसके बाद होगी रिपोर्ट, आप लोग जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे 5 मार्क्स की प्रैक्टिकल, उसका वाइवा आपका क्लास टीचर कंडक्ट करेगा, दैट इज फॉर 5 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स ईच प्रैक्टिकल। अगर आप लोगों के 5 प्रैक्टिकल है तो टोटल 100 मार्क्स। तो ये डिटेल मैं आप लोगों को सारी इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसको आप अपने ध्यान में रखें। सिमिलरली अगर कोई ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप है, सर्वे कैंप है, तो उसकी रिपोर्ट अगर आपका वीकली है उसके अकॉर्डिंगली चलेगी 20 मार्क्स की, अगर मंथली है 6 मंथ की है तो वो उसी हिसाब से उसका डिविजन हो जाएगा। सो ये सारी डिटेल मैंने आप लोगों को बताई है, आप लोग इस बात का ध्यान बहुत रखेंगे, अपने क्लास में आप रेगुलर रहेंगे। Thank you. Thank you very much. I am adding the question of Dr. Devansa, what is about the university, that university is UGC approved, one thing. Second is Government of Punjab established, and third I want to add that all the security approvals from the ICT, PCA, PCA and all has been taken from various bodies, and it's a proud moment for the university that the agriculture courses of the university have dual accreditation, and it is the first private university having twin accreditations, and we have submitted for the NAC, and in the short time you will have a good news for the NAC accreditation for Guru Kashi University. The University School of Law was established in 2016 and it is approved by the Bar Council of India. It is a co-education college. We are having a total 6 programs such as graduate, postgraduate and doctorate programs and various diploma programs. About the
about the establishment of the college, University College of Paramedical Sciences was established in the year of 2015. Thereafter, University College of Pharmacy was established in the year of 2017. Both these colleges were merged as University College of Pharmacy and Paramedical Sciences in 2021. And practice course of engineering. Now I am presenting the University of Education was established in 2011 with the undergraduate program of BPES, and we have two programs approved by NCT, like BPF and MPF. Total we have 9 programs, 3 in DPD and a physio, diploma physio, bachelor and master, and in business graduation we have BPES, BPF, MPF and doctorate program, and in yoga we have PG, diploma in yoga and master yoga. Very good college of the agriculture in this university. We have the establishment with the starting of the university in 2011, and this is college was have the community of the nearby and the other nearby states to educate the farmer and the student. And we have to cater the education need of rural youth in this southwestern. Today I am here to present a brief about the Guru Gobind Singh College of Engineering and Technology. The Guru Gobind Singh College of Engineering and Technology is a one of the premier and oldest institute in the northern area, and was established in the 2001 under the Punjab Technical University PTU Jalandhar, and after 2011 it was under the flagship of the Guru Kashi University. Very good afternoon and heartiest welcome to all my dear students to the University College of Commerce and Management. University College of Commerce and Management is a constituent college of Guru Kashi University established in 2011, situated in L Block, Guru Kashi University campus. Various programs are offered by University College of Commerce and Management, including PhD, Masters and Graduate programs are there. We are offering PhD in Commerce and Management with six programs. Six programs like Bachelor of Computer Application, BSc IT, MCA, PhD and Postgraduate Diploma in Computer Application. This is the program offered by the Institute of Hotel Management to all the students, like Master in Hospitality and Hotel Management, BHM Bachelor in Hospitality Management, BSc in HHM, Diploma in HHM for all the students. This is our infrastructure detail in which we have provided our best education to all the students with ICT enabled classrooms, in which you have getting all projectors, smart classroom, each and everything. BA, MA, the PhD programs that are running and MA there with political science, history, sociology, economics, languages with Hindi, Punjabi, English, or science ਦੇ ਵਿੱਚ physics, chemistry ਤੇ math, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਰੀਜਨ ਸਟੱਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ with the recognition of NCT. Infrastructure, the college has well established infrastructure with 13 classrooms with the ICT enabled, one seminar hall for curricular and co-curricular activities, one conference room, open learning center, labs like science lab, psychology lab, education technology lab, language lab, and computer lab. On the students' welfare activities being carried out by the university, and all the senior functionaries, Dr. Tuteja, Dr. Sunny, Mahinder, Dr. Ashwini Sethi ji, and all others who have been very intimately connected with this program to see that this program comes out very successful.
So I express my gratefulness to each one of them. So Dr. Bhava, she motivated through her deliberation, through her welcome remarks, motivated the organizers, motivated the students, and I think these guidelines, these spirit. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद जय भारत।